हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं अंडा आलू की सब्ज़ी। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है, तो इसके लिए हम लेते हैं 2 बड़े साइज़ के आलू और उसको कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। इसकी कटिंग भी डिपेंड करती है, इसकी कटिंग इसी तरीके से होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आपका अच्छी मात्रा में होना चाहिए क्योंकि अंडे आलू में ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू भी थे। पकाने के लिए मैंने लिया है प्याज़, आधा आधी आधी पोटी प्याज़ है मीडियम साइज़ की, और 3 हरी मिर्च मैंने कट कर लिए हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। ये प्याज हो चुका, प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा इसको उसको फ्राई करेंगे और ये जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए आलू। इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अब इसको ढककर हम आधे पके हुए तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गलना नहीं चाहिए, थोड़ा टाइट होना चाहिए आलू, तभी हम इसमें एग डालेंगे। तो इसको हम लो फ्लेम पर रखते हैं और आधा पकने तक, ये मेरे देखिएगा आधे पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे एग। ये देखिए कभी बहुत ज़्यादा गले नहीं है, बस ये आधे पक आधा कुक हुआ है। तो इसमें अब हम डालेंगे एग। आप चाहें तो एग और बढ़ा भी सकते हैं जैसा आपको पसंद हो, मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने 2 ही डाल दिए हैं। जितना आप एग क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उतना ही टेस्टी रहेगा। तो एग डाल के हम इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि ये एग आलू में अच्छी तरीके से मिल जाए। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ऑयल कम है तो यहाँ पर आप रिफाइन ऑयल 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है, अब यहाँ इसको ढक कर पकाएंगे। देखिएगा ये पक चुके हैं, ये देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा आलू कुक हो चुका है और अच्छी तरीके से एग भी उसी में मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे हरी धनिया। इसको मैंने इस ट्रे में छोटी प्लेट में सर्व कर लिया है। अब ऊपर से हम डाल देंगे हरी धनिया डेकोरेशन के लिए। देखिएगा दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। ये देखिएगा ऊपर से उठा के दिखा देते हैं, ये देखिए ये काफ़ी दिखने में भी अच्छा होता है और टेस्ट में भी बिना बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट लगे ये अच्छी तरीके से पक जाता है।